नारनौंद व बांस अनाज मंडी में खराब हुए हजारों क्विंटल गेहूं की अनाज मंडी का दौरा कर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जांच के आदेश दिए थे, जिसके तहत आज एक 4 सदस्यीय टीम ने नारनौंद व बांस अनाज मंडी का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने अनाज मंडी में खराब व बोरियों में तोली गई गेहूँ के सैंपल भी लिए, जिनकी रिपोर्ट तैयार कर विभाग के उच्च अधिकारियों को सौंपेंगे। मैं ज्वाइंट डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई इंद्रजीत चंडीगढ़ से। तो हमें यहाँ की जो कंप्लेंट मिली थी डिप्टी सीएम साहब के पास, यहाँ के आढ़तियों ने जो मामला उठाया था कि अधिकतर जो गेहूं है ख़राब हो चुकी है, उसको उठाया नहीं जा रहा, तो उसी की मामले की छानबीन करने के उद्देश्य से मैं टीम समेत यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ पर जो आढ़तियों के प्रधान हैं उनसे मिला, उनको अपना वर्जन रखने के लिए कहा और कहा कि आप रिटर्न में दीजिए। और इसके अलावा जो आढ़ती हैं उनकी भी दुकानों पर और उनका जो स्टॉक पड़ा है उसको चेक किया, कुछ के हमने सैंपल भी लिए ताकि जो सही गेहूं है उसको सैंपल लेने के बाद उठाया जा सके। लेकिन जैसे आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारा गेहूं जिसके अंदर कई कमियां हो सकती हैं, आढ़तियों के लेवल पे हो सकती है, कुछ प्रशासन की हो सकती है, कुदरत लेवल पे भी, क्योंकि प्राकृतिक जो बरसात इत्यादि आई जिसके कारण गेहूं हुआ ख़राब हुआ, उन सब की हम छानबीन करेंगे। हेड ऑफिस जाकर के मैं अपने डायरेक्टर और एसीएस साहब के सामने रिपोर्ट रखूंगा और जो भी एक्शन होगा वो लेंगे। मेरे साथ एक तो इंस्पेक्टर है जींद से, फूड सप्लाई से, और इसी तरीके से एक हेड एनालिस्ट है और एक एएफएसओ है सरसा से, और हेड एनालिस्ट है सत्यव्रत यहाँ के एमएलए मुख्यमंत्री जी। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरा जो उद्देश्य था आज का यहाँ पर मंडी में विजिट करने का, वो यही था कि जो गेहूं है जो खराब हुई है उसके बारे में छानबीन करने का। बात आपने जो बताया तो उसके बारे में भी मैं गौर करूंगा कि मामला क्या था। सर कितना लगभग कितना अनाज खराब हुआ है, आढ़तियों से भी आपने रिपोर्ट ली है तो। देखिए रिपोर्ट अभी रिटर्न में किसी ने नहीं दी मेरे को, ना तो प्रेरण ने दी है और एक दो ने दी है, तो उसका अभी मैं आंकलन नहीं कर पाया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि खुद मैं इंस्पेक्शन कर रहा हूं, खुद शॉप टू शॉप जाकर के और चारों तरफ मंडी में कितना गेहूं पड़ा हुआ है ख़राब हुआ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बड़े स्तर पर गेहूं खराब हुआ है। ठीक है, कितना हुआ है अभी इसका आंकलन कर पाना असंभव है। देखिए मैंने अभी थोड़े समय पहले ही इस विभाग में ज्वाइन किया है, क्योंकि मैं डिपार्टमेंटली एचसीएस ऑफिसर हूं, हमारी ट्रांसफ़र होती रहती है और इसमें इस टाइप से मंडी को चेक करने का ये मेरा पहला मौका है। सर यहाँ खरीद एजेंसियाँ यहाँ रही हैं, लेकिन इस बार एक खरीद एजेंसी होने की वजह से भी ये मोटी दिक्कत आई यहाँ पे। देखिए इसके बारे में स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, हमारी हायर अथॉरिटी ने जो डिसीजन लिया था कुछ सोच समझ के लिया होगा। ठीक है, और रही बात अगर इस मामले में कोई बात है तो उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ला दीजिए। जो डॉक्यूमेंट हैं कागज हैं और एकदम वो सारी चीज़ों के बारे में नहीं बताया जा सकता, आज आया हूँ देखा है, बाकी जो हमारा जो पासिज है किस डेट को कितने किए, ट्रांसपोर्ट ने कितना क्या उठाया, वो सारे का सारा देखा जाएगा। इधर से बारदाने का भी रिकॉर्ड मांगा है, सभी रिकॉर्ड्स का अध्ययन करने के बाद ही स्पष्ट तौर पर आपको कुछ बताया जा सकता है।